नगर निगम के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन वार्ड नंबर 23 में लगभग 40% अपात्रों के पीएम आवास व शौचालय बनवाने वाले संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 23 की जनता और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार हंगामा करते हुए दोषियों की कार्यवाही के लिए एक ज्ञापन जिला अधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय में हस्तगत कराया। ज्ञापन के माध्यम से शिवसेना द्वारा यह मांग की गई कि वार्ड 23 के अंतर्गत मोहल्ला आफत नगरी फाजलपुर नया गांव पूरनपुर कंजीवाली आदि में पार्षद अशोक सैनी व योजना से जुड़े संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के मिली भगत से हरीश पुत्र राम गोपाल लीला देवी पत्नी वीर सिंह महेंद्र लाल पुत्र राम स्वरूप अवनीश कुमार पुत्र मदन लाल गोपाली हंसराज पुत्र सीताराम अवतार पुत्र गजराम सहित लगभग 40% अपात्रों के पीएम आवास व शौचालय बनवा दिए गए हैं। कुछ सरकारी व्यक्तियों ने सरकारी जमीन पर भी पीएम आवास बनवा दिए हैं। उक्त मामले में शिव सैनिक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं। अगर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया तो शिव सैनिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण शासन की और प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में पूजा देवी रविंद्र सिंह कल्लू सिंह अरुण खन्ना मुकेश कुमार संजीव सिंह आशा रानी अनीता देवी रामा देवी श्री देवी बबीता रानी महेंद्र सिंह आदि वार्ड की जनता मौजूद रही। आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में वार्ड नंबर 23 में लगभग 40% आपात्रों के बने पीएम आवास एवं शौचालय की जांच कराने की मांग करते हैं। वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत दिल्ली रोड गांगन चौराहा से अंबेडकर नगर होली चौक तक सैकड़ों फल ठेले पकौड़ी आदि के ठेले लगवाने की हटवाए जाने की मांग करते हैं। ज्ञातों की वार्ड नंबर 23 के पार्षद व नगर निगम के अधिकारियों द्वारा 40% अपात्रों के पीएम आवास व शौचालय बना दिए गए। अगर शीघ्र ही पीएम आवास व शौचालयों की जांच नहीं की गई, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो शिव सैनिक उग्र आंदोलन करेंगे, यहां तक कि भूख हड़ताल करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। जय हिंद जय भारत।